दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, आज हम आपको करवा रहे हैं टूर जगन्नाथ फूड फॉर लाइफ का। तो अभी मेरे साथ हैं सतीश कुमार गुप्ता जी। तो सर, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जगन्नाथ फूड फॉर लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब कैसे आपके मन में ख्याल आया कि लोगों को 10 रुपये में जो नीड है उनकी, एक फूड उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में तो 20 रुपये पार्किंग के भी लग जाते हैं लुधियाना जैसे शहर में, और आप 10 रुपये में हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करवा रहे हो नीडी पर्सन को, तो कैसे आपके मन में ख्याल आया? हमारे एक मित्र बनारस में पिछले कई वर्षों से ये योजना चला रहे थे, जिसमें खाना वो प्रोवाइड करा रहे थे। तो हमारे भी मन में आया कि हम कुछ करें, मैं और मेरे मित्र नवीन भाटिया जी। हम 2 दिन वहाँ बनारस में रहे, हमने वो सारा देखा और हमें लगा कि लुधियाना में भी बहुत ज़रूरत है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में और चौड़ी सड़कों पर महंगी कारों में घूमते हुए हमें वो साइड पर छोटे छोटे खोमचे लगाकर बैठे लोग, रिक्शा वाले, दूसरे लोगों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता। हमारे घरों में काम करने वाले जो मेड हैं, उनके बच्चे, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी, उसके घर में उसके माता पिता, उसके 3 बच्चे, तो वो कैसे जीवन यापन कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे थे। जब आप ध्यान से देखोगे कि सड़क के किनारे एक आदमी 200 रुपये की मूंगफली लेकर बेच रहा है, वो शाम को क्या कमाता होगा, कहाँ से खाता होगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता होगा। तो ये योजना हमने भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से कि सब लोगों को एक अच्छा खाना मिले। लोग खा तो रहे थे जैसे तैसे, लेकिन उनको अच्छा फूड नहीं मिल रहा था। तो ये योजना शुरू करने का हमारे मन में विचार आया। सही में ये क्रिएशन तो भगवान की है जी। क्रिएशन तो भगवान की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भगवान ने हमें चुना और हम इस काबिल हो पाए कि हम लोगों को खाना खिला पाए। तो अंकल, मैं हमारे व्यूवर्स को, जो यहाँ पे खाना तैयार होता है, तो अभी कितने लोगों का खाना तैयार हो रहा होगा? ये देखिए, 2000-2500 से लेकर कभी 1800 रह जाता है, कभी 1500 रह जाता है। डे बाई डे के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। मान लो शनिवार को चहरी के पास छुट्टी होती है, उस दिन थोड़ा कम कर लेते हैं, और लगता है कि ये उत्सव है तो उस दिन और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसमें जब विशेष बात यह है कि हम डेली मेन्यू चेंज करते हैं, ताकि लोगों को पौष्टिक, उनके कैल्शियम, जो जो चीज़ें उनको चाहिए, वो हर तरह की उनको सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल्स और हर तरह की दाल, मतलब राजमा, चने, मतलब जो जो चीज़ें जनरल हम अपने घर में खाते हैं, वैसा ही खाना हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे हफ्ते का मेन्यू बनता है, ये हमारा एक फिक्स मेन्यू है कि मान लो अगर हमने 2000 आदमी का खाना बनाना है, तो उसमें पता है कि 50 किलो दाल लगेगी। मतलब एक रेसिपी हमने फिक्स की हुई है कि इसमें कितना मसाला डलेगा। बनाने के बाद भगवान को भोग लगाकर, ये सबसे बड़ी विशेषता इस खाने की ये है कि ये बिना प्याज लहसुन के है। कोई भी आदमी इसको कहीं भी कभी भी खा सकता है। पौष्टिकता के साथ साथ हमारा धार्मिक एक ये भी मकसद है कि लोगों का जीवन भी खुशनुमा हो, उनकी जो सात्विकता है उनके जीवन में आए, लोग बुरी चीज़ें छोड़ें, लोग तंबाकू छोड़े, लोग सिगरेट छोड़े। लोगों का जब हम उनको एक शुद्ध भगवान का प्रसाद उनको वितरित करेंगे, धीरे धीरे उनकी मानसिक चेतना भी बदलेगी, ऐसा हमारी सोच है। तो अंकल, जैसे कि आप 10 रुपये थाली प्रोवाइड करवा रहे हो हाइजेनिक फूड की जी, तो एक्चुअल में कॉस्ट तो 10 रुपये होना पॉसिबल नहीं है इस टाइम में, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी रहती होगी इसकी? देखिए, कॉस्ट की तरफ हमारा ध्यान नहीं है अभी हमारा। मैं मानता हूँ आपकी बात को, तो 20-22 रुपये हमारी अभी कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी। तो ये एक कॉस्ट का, आज मैं सही बताऊँ, कॉस्ट कभी भी हमने नहीं सोची। ये एक लंगर, जैसे हम कहते हैं, लंगर की भावना से हम इसको चला रहे हैं। लेकिन 10 रुपये हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं लोगों से कि वेस्ट ना हो, कि जिसको चाहिए वो ही ले। अगर हम फ्री बांटेंगे तो जिसको नहीं चाहिए वो भी ले जाएगा, अननेसेसरी फूड भी, हाँ, बेकार होगा। और खाना बेकार हो, ये हमें बड़ा चुभता है, क्योंकि खाना वेस्ट करना हमें लगता है कि एक अपराध है।
हम अगर फ्री बांटेंगे लोग उसको लें ना लें, खाएं ना खाएं, फेंक दें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। हमारा भाव है कि हम भगवान का प्रसाद वितरित कर रहे हैं, जिसके भी भाग्य में होगा वो उसको खाएगा। हर हमारी जो पूर्वजों ने कहा है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो मैं तो जब भी कभी बूथ पे खड़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आ रहा है खाने वाला, उसका नाम इस खाने पे लिखा हुआ है, उसके भाग्य का खाना है। ये तो हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की कि हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। अमीर या गरीब, प्रसाद जब हम वितरित करते हैं वो सबके लिए बराबर है। जिसको भूख लगी है ये योजना उनके लिए है, वो अमीर है या गरीब ऐसी कोई वो नहीं है। तो अंकल मैं एक और बात जानना चाहूँगा, जैसे कि फूड तो सबकी नेसेसरी और मेरे ख्याल से बचता भी नहीं होगा, बट कई बार वेदर के सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कई बार बारिश कुछ भी हो सकता है, तो अगर फूड बच जाए तो उस फूड का क्या होता होगा सर? नहीं, हमारे देखो हमारा 12 से 2 का टाइम है, अगर फूड बचता है तो हम आधा घंटा और वेट करते हैं बूथ पे, 1 घंटा वेट कर लेते हैं। अब जिसको भूख लगी है, बारिश आ गई, खाना तो उसको खाना ही है, और ऑटो वाले रिक्शा वाले वो रोकते हैं, बारिश में भी लोग खाते हैं हमारे साथ। और अभी तो हम एक पूरा मौसम देख चुके हैं, बारिशों का भी देख चुके हैं, गर्मी भी सर्दी भी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा खाना बचा। खराब से खराब वेदर में भी जो हमारा मिनिमम खाना था वो लग गया। देखिए हम इस बात को बहुत जोर से इसको हम देख रहे हैं कि हम वेस्ट नहीं करते, हम उतना ही बना रहे हैं जितना हमारा इजीली लग रहा है। लगाने को तो हम आज चाहे कि 5,000 का लगा दें, लेकिन नहीं, हम धीरे धीरे हमारे बूथों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी हमारे 4 बूथ हैं, तो एक 2 सप्ताह में हम इसको 6 कर देंगे। उसके अलावा जो हमारी 5 गाड़ियाँ वो भी फूड वितरित करेंगी, मतलब हम 6 बूथ और 5 गाड़ियों से 11 स्थानों से हम ये लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है 50,000 लोगों तक हमने खाने को पहुँचाना है, और शहर का हर कोना हमने कवर करना है। भावना जो ये इस कार्य के पीछे नवीन भाटिया जी की थी, और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी अंजू भाटिया जी डेली सुबह ये किचन में आकर इस सारे सिस्टम की देखरेख करते हैं। खाना पैक करने से पहले पूरी हमारी एक टीम है 5 मेंबरी, वो इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक तो कहीं कोई टेस्ट में कमी तो नहीं, दूसरा सिक्योरिटी लेवल से भी कि अगर कहीं कोई कुछ गलत है तो पहले हम उसको खाकर देखें। ये जो आगे हम जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो हमारे लिए बड़े पूजनीय हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले हमारी टीम देखती है, हमारे चेयरमैन नवीन भाटिया जी। काफ़ी देर से हम इसके बारे में सोच रहे थे, तो हमारे कोई दोस्त हैं जो बनारस में ये काम काफ़ी देर से कर रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से कर रहे हैं, वो वहाँ पर डेली 25,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो उनको देख के हमारी भावना जगी कि ये बहुत अच्छा काम है और यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अन्न दान से ऊपर कोई भी दान नहीं है, तो हमने सोचा कि इसको यहाँ पे लुधियाना में शुरू किया जाए ताकि जो लोगों की ज़रूरत है वो पूरी हो। और सबसे बड़ा जो हमारा मोटिव था वो ये था कि लोगों को हाइजेनिक फूड मिले, क्योंकि यहाँ पर जो हम खाते हैं उसमें बीमारियाँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोग हाइजीन्स का ध्यान नहीं रखते, तो इसीलिए हमने सोचा कि लोगों को एक हाइजेनिक फूड मिले ताकि लोगों की बीमारियाँ भी दूर। और फिर हमने धीरे धीरे मैं और स्थिति जी इस तरफ बढ़े, और हमें लोगों का दोस्तों का बहुत उत्साह मिला कि आप करो ये काम, सारे लोग हमारे साथ जुड़ते गए। फिर हमने इसको एक प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी की कृपा हमारे पे हुई, और हमने कहा कि ये प्रसाद रूप ही लोगों को खाना जाए, तो फिर जगन्नाथ जी की कृपा से ही ये पॉसिबल हो पाया, नहीं तो हम तो पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। जब जगन्नाथ जी साथ आ गए तो फिर ये काम बहुत कामयाबी से चला। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें थोड़ा सा उन्होंने बोला कि आप मिड डे मील के बारे में भी प्लानिंग करो ताकि बच्चों को, हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, अगर हमें वो मौका मिला तो हम मिड डे मील भी बच्चों को देने की नेक्स्ट हमारी प्लानिंग चल रही है। व्यूवर्स अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यहाँ की जो टीम है एफ बॉल में जो सेवा कर रहे हैं, टीम नहीं कह सकते सेवा है। सबसे पहले अंकल आप बाय प्रोफेशन क्या हो हमारे व्यूवर्स? मैं बेटे डॉक्टर ए के वडेरा मेरा नाम है, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं शाम को प्रैक्टिस करता हूँ तो सुबह 12 से लेकर 2-2.5 बजे तक
यहाँ टाइम देते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है वैसे काम करते हुए, क्योंकि कोई अच्छा काम अंकल आप डेली आते हैं? डेली, बिल्कुल डेली आते हैं। अंकल आपका नाम? अरुण पासी। और अंकल आप बाय प्रोफेशन? रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब स्टेट लक्ष्मी बोर्ड एज ए अकाउंट्स ऑफिसर। डेली ये हमारे टीम के मतलब यहाँ के हेड हैं, यहाँ के हम लोग तो हेड तो मानते हैं, लेकिन फिर भी कोई सीनियर आदमी होता ना तो यही रिस्पॉन्सिबल आदमी है ज़्यादा वक्त, बाकी तो हम लोग साथ ही देते हैं। हमारे जो मेन है सतीश गुप्ता जी हैं, ही इज़ ऑल इन ऑल इज एन डायरेक्टर ऑफ दिस जगन्नाथ। पवित्र भूषण पनोट बस एज ए सेवादार थे। प्रोफेशन मैं जी अपना मेरा गेस्ट हाउस ही और इस टाइम मैं वेला हाँ। मेरा नाम जतिन दसांगड़ी है और हमने LIC ज्वाइन किया है, एजेंट हूँ LIC एजेंट। ठीक है, बीच में यहाँ अगर टाइम पास कर देते हैं, यहाँ भी मतलब सेवा कर रहे हो दोनों तरफ। एक छोटा सा सेवक प्रवीण अग्रवाल जी। और बाय प्रोफेशन सर आप किस लाइन से हो? मैं फार्मा लाइन से। डॉक्टर कोई पकड़ते हैं और किसी को नहीं पकड़ते जल्दी लेकिन सारे इनके प्रेमी हैं इसलिए जो भी इनको साथ मिलता है वो साथ चल देते हैं। भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा की तरफ से ये सारा काम हो रहा है, उनकी तरफ से सेवाएं लगी है और 10 रुपये थाली आज के समय में आपको पता है कितना मुश्किल है जी सर, लेकिन इतना कुछ ठाकुर कृपा हो रही है, जगन्नाथ जी की कृपा हो रही है जिसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं।